दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। आज मैं आपके लिए कुछ अलग ही टाइप का बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा BOPP टेप, जिसे कि सेलो टेप भी कहा जाता है, उसे बनाने के बिजनेस के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस बिजनेस के लिए आपको मशीन्स और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, और इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए मैं आपको कुछ मार्केटिंग के टिप्स के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों सेलो टेप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया ही होता है। इसका अधिकतर प्रयोग पैकेजिंग इंडस्ट्री, बिजली के कामों और कोरियर वालों के द्वारा बहुत ज़्यादा किया जाता है। सेलो टेप की मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए अगर कोई सेलो टेप का बिजनेस करना चाहता हो तो इस बिजनेस में अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 200 स्क्वायर फीट की जगह लग जाती है, और इस बिजनेस को आप सिंगल फेस के कनेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्हीं बातों के कारण से यह बिजनेस आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका 3-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इस बिजनेस में आपको सक्सेस पाने के लिए इन चीजों को टारगेट करना होगा, जैसे कि स्कूल्स, हार्डवेयर शॉप्स, स्टेशनरी शॉप्स आदि। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो इस बिजनेस में रॉ मटेरियल्स आपको 3 लगते हैं, जैसे कि POPP टेप का जम्बो रोल, दूसरा लगता है पेपर कोल जिस पे टेप को लपेटा जाता है, और तीसरा लगता है एडहेसिव, जिसे कि गम भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी बात रॉ मटेरियल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं मशीन्स के बारे में। दोस्तों मशीन्स की बात करें तो वैसे तो इस बिजनेस में काफ़ी टाइप्स की मशीनरी आती है। दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में मिनी BOPP टेप मशीन्स के बारे में बताऊंगा। इस बिजनेस में आपको 2 मशीन्स की ज़रूरत हो सकती है। पहली है कोर कटिंग मशीन, जिस पे BOPP टेप का नीचे लगने वाले गत्ते को कटिंग किया जाता है, और दूसरी होती है BOPP टेप स्लिटिंग मशीन, जिस पर टेप के बड़े रोल से उसे छोटे रोल्स में कटिंग किया जाता है। यह दोनों मशीन्स के अगर रेट्स और डिटेल्स के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करना होगा, और उनसे बात कर अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो और डिटेल्स और जानकारी ले सकते हैं, और इस मशीन्स को बाय भी उन्हीं से ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस टेप को बनाने की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले BOPP रोल को कटिंग मशीन में लगा दिया जाता है, उसके बाद कोटेड रोल को स्लिटिंग मशीन से छोटे पार्ट्स में कटिंग किया जाता है। इन दोनों मशीनों से आपका टेप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू हो सकता है। सबसे पहले टेप के नीचे लगने वाले कोर, जिसे कि जो कि कार्डबोर्ड का बना होता है, उसे कोर कटिंग मशीन में लगा दिया जाता है, और उसे कटिंग करने के बाद उसे स्लिटिंग मशीन में लगाया जाता है, जिस पर टेप के जंबो रोल से स्लिटिंग करके छोटे छोटे रोल्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ऑटोमेटिक मशीन्स के बारे में, तो इस ऑटोमेटिक मशीन्स में आप जो सेलो टेप होता है उसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। ऑटोमेटिक मशीन्स में ये अपने आप रोल कटिंग हो जाता है और टेप बन जाता है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं अब मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में आपको मार्केटिंग करने के लिए आपको प्रॉफिट अच्छा खासा कमाना पड़ सकता है। आप अपने बिजनेस को इंडिया मार्ट पर भी रजिस्टर करवा सकते हैं,
वहाँ मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हैं या अपने आसपास की मार्केट में होलसेलर से कांटेक्ट करके उन्हें भी सीधा माल उठवा सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप इस बिजनेस की अच्छी खासी मार्केट भी सर्च कर सकते हैं। और इस बिजनेस को स्टार्ट करना हो तो इस जानकारी और जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये थी आज की वीडियो BOPP टेप को बनाने के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो इस नीचे अपने कमेंट भी लिखें और इस बिजनेस के बारे में अपने सुझाव भी नीचे लिखें। तो अगर आपको ये बिजनेस अच्छा लगा और अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो मशीन्स के मैन्युफैक्चरर के नंबर दिए गए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके मशीन खरीद कर आज ही ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद।